हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिला स्टाइल्ड एंड मैं हूँ शिला। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम गाइस आपको मेरी लाइफ अपडेट मिलने वाला है। तो बेसिकली मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, इसलिए मैं कोई भी ब्लॉग भी नहीं शूट कर रही थी। बट आज मैं करने वाली हूँ ब्लॉग। तो आज की बात आपको लगातार बहुत सारे ब्लॉग मिलने वाला है बिकॉज हम लोग जा रहे हैं बाहर। तो शादी की बात पहली बार मेरी विदाई होने के बाद पहली बार मैं मेरे हस्बैंड के साथ घूमने के लिए जा रही हूँ। तो आज हम लोग जाएंगे, तो हम लोग जाने वाले हैं दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग एक्चुअली हम लोग घूमने के लिए ही जा रहे हैं स्पेशली दार्जिलिंग पे। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो प्रिपरेशन हो रही है, पैकिंग हो रही है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ आयरन, तो ये बस हो जाने दो। फिर हम लोग यहाँ से जो गवर्नमेंट बस होता है ना, स्टेट बस, तो यहाँ से रायगंज से सिलीगुड़ी तक हम गवर्नमेंट बस पे ही जाएंगे। फिर उसके बाद सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक हमारी पर्सनल कार होगा। तो 3 दिन हमें पर्सनल कार जो हमने रिजर्व किया है ना, 3 दिन तक हमें घुमाएगा। तो यस, चलो मैं आपको अपडेट देते रहूंगी। तो अभी पहले प्रेस कर लेती हूँ, फिर पैकिंग कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं गाइस। ऑलमोस्ट मेरा जो क्लोथिंग है ना, ये पैकिंग हो चुका है। तो 3 डेज के लिए है, उतना कुछ नहीं ले रही हूँ। एंड बस अभी मेरा मेकअप की प्रोडक्ट्स बस इतना सा ही लेने वाली हूँ, तो इसे मुझे अभी पैक करना है। ज़्यादा कुछ भी नहीं ले रही हूँ, बस दिखा देती हूँ आपको। ये एक आई शेडो पैलेट जिसमें बहुत सारे कलर अवेलेबल है, न्यू कलर। तो ये रहा एक फाउंडेशन जो कि पैक का है, तो इससे भी अच्छी तरह से यहाँ रख देती हूँ। फिर एक हाइलाइटर, ये गया हाइलाइटर। ब्लश में आई शेडो पैलेट से यूज़ कर लूँगी। तो ये है कॉन्टोर जो कि इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। दूसरा कंसीलर, लिपस्टिक, 2 शेड का ब्रशेस ऑल्सो, मिरर, आईलाइनर एंड एक छोटा सा ब्यूटी ब्लेंडर। नाउ डन। ये गया हम दोनों का ब्रश, तो इसे यहाँ पर सेट कर देती हूँ। ओके, पेस्ट सेंसोडाइन का इसे भी यहाँ पर रख देती हूँ। तो अभी स्किन केयर, ये गया मेरा शैम्पू, इसे मैं यहाँ पर रख दूँगी। ये गया कंडीशनर, ये गया मेरा हेयर सीरम, इसे भी यहाँ पर ही रख दूँगी। ये है बायोटिक का मॉइस्चराइज़र, इसे भी यहाँ रख दूँगी। एंड ये मेरा फेवरेट है, ये है मामा अर्थ का मॉइस्चराइज़र। अगर आपने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया है तो गो एंड ट्राई दिस प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छा है। तो इसे भी मैं यहाँ पर रख देती हूँ। एंड लास्ट है मेरे पास ये पॉन्ड्स का गोल्ड ब्यूटी क्लियर रेडियंट ग्लो फेस वॉश। तो इसमें 24K प्योर गोल्ड प्रोवाइड है, यू कैन सी एंड देख सकते हो। तो इसे 2 दिन से यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं इसे भी ले रही हूँ। बस ये हो गया मेरा पैकिंग। तो गाइस अभी रात का 9 बज रही है एंड अभी हम निकलने वाले हैं। एंड यहाँ पर रास्ता आप देख सकते हो पूरा सुनसान है भैया। तो अभी निकलेंगे, चलो। गाइस तो फाइनली हम लोग सिलीगुड़ी पहुंच गए। तो अभी यहाँ से सीधा जाने वाले हैं दार्जिलिंग। तो मैं आपसे रिसोर्ट में जाके ही मिलती हूँ। ओके, तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं दार्जिलिंग पे। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे होटल। तो ये कुछ ऊपर इस तरह से हमें जाना, वॉक करके जाना पड़ रहा है। एंड अभी तक आप लोगों ने मुझे नहीं देखे हो, मैं दिखा देती हूँ कि मेरी ट्रैवल आउटफिट कैसा था। तो चलो दिखा देती हूँ। हाय, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है एंड ये है मेरा आउटफिट। एंड अभी जाके ब्रश करने वाली हूँ, ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ, नहाने वाली हूँ, फिर तो ड्रेस चेंज करके रेडी होके फिर जाएंगे बाहर घूमने। तो अभी चलो चलते हैं। एंड ये जो ऊपर आप देख सकते हो ना, ये हमारा होटल है। तो चलो चलते हैं। गाइस तो अभी रेडी होके हम लोग बाहर जाएंगे घूमने के लिए। हमारी कार है नीचे, वेट कर रही है। तो सबसे पहले मैं रेडी हो लेती हूँ, फिर उसके बाद निकलते हैं बाहर, फिर मैं आपको व्यू दिखाऊंगी। ओके, तो अभी सीधा नीचे चलते हैं एंड वहाँ पर हमारा कार है। तो आ जाओ।
तो गाइस हम ना कार पे बैठ चुके हैं एंड अभी हम जा रहे हैं व्यू पॉइंट पे। तो मुझे खुद को भी नहीं पता है, इनको भी नहीं पता है कि हम जा कहाँ रहे हैं। टी गार्डन ओके, टी गार्डन पे जा रहे हैं। तो चलो जाके मिलते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम नीचे जाने वाले हैं। यहाँ पर नीचे दिखाते हैं आपको, आ जाओ, टी गार्डन मिलने वाला है आपको। तो अभी हम यहाँ पर एज रॉक पे है, जहाँ पर जो माउंट पे उठने की कोशिश करते हैं एवरेस्ट पे, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है। तो या ओके, तो गाइस ये देख के आप समझ पा रहे हो कि ये क्या है, अंदाजा लगा सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारी याराना मूवी था उसका शूट हुआ था यहाँ पर। तो ये स्कूल है बट मूवी में कॉलेज दिखाया गया था। तो ये देख सकते हो बहुत ही बड़ा है, अगर आप लाइव देखोगे इसे तो और भी ज्यादा बड़ा लगेगा। काश ऐसे भी स्कूल है तो ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जू। तो पता नहीं ये कितने टाइम तक हमें वॉक करना पड़ेगा, तो चलो जाते हैं। एंड मुझे भी खुद को भी नहीं पता है कि ऊपर जाके हमें क्या क्या मिलने वाला है। जो हमारी गाइड है वो बस हमें लेके घूम रहा है यहाँ पर, तो चलो देखते हैं। यहाँ का जो नेचुरल साउंड आप सुन सकते हो खुद, बहुत ही स्वीट सा साउंड है। बर्ड्स का आ रही है, बहुत सारी एनिमल्स का, तो आती रहेगी और भी, देखते रहो। तो अभी मैं जू पे हूँ एंड अभी मैं ढूंढ रही हूँ टाइगर, बट मुझे नहीं मिल रहा है। ये भी ढूंढ रहा है, तो चलो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है वाइट चीता। तो ये चीता है टाइगर, बहुत बहुत भाई साहब। गाइस, तो दिस इज अ जापानी टेम्पल। तो चलो आपको अंदर से दिखाती हूँ मैं। ये दार्जिलिंग में अगर आप विजिट करोगे ना तो यहाँ पर जरूर आना एक बार।
तो ये है जापानी राइटिंग। वाह, ये है टेंपल। अरे भाई भीतरे तो जावा ही जावे ना। हेलो बट तो अभी मैं जा रही हूँ, यहाँ पर है ए बुद्ध टेम्पल। तो आप यहाँ पर आपको बुद्ध की स्टेचू मिलेगा, इसे बुद्ध ही बोलता है ना, तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी जरूर। तो गाइस आगे आपको गोल्डन कलर का बुद्ध की स्टेचू दिख रहा है, मैं पास जाके भी दिखाऊंगी, रुको। तो मैं यहाँ से जूम करके दिखा रही हूँ क्योंकि मैं ऊपर नहीं उठ सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब जूता खोल के जा रही है। ये है हमारा जूता, खुलने की मूड बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए। गाइस तो हम लोग वापस होटल आ चुके हैं एंड मैं अभी फेश वॉश करने जाऊँगी, फिर उसके बाद सो जाऊँगी, फिर डायरेक्टली 8 बजे उठ के डिनर करके फिर से सो जाऊँगी। तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं हम एंड फिर से मुलाकात होगी आप लोगों से कल। तो उनके लिए टाटा।